दोस्तों, जब भी भारत में मजबूत बाइक्स की बात आती है तो राजदूत का नाम जरूर लिया जाता है। अपने समय में ये कोई आम बाइक नहीं हुआ करती थी, ये उस समय चलने में शानदार, दमदार और तेज रफ्तार हुआ करती थी, इसलिए इसे भारत की पहली स्पोर्ट्स बाइक भी माना जाता है। इसने लोगों को बताया था कि आखिर रफ्तार क्या होती है। जहां एक समय में सब रॉयल एनफील्ड के पीछे भागे जा रहे थे, उस समय में राजदूत ने मार्केट में आकर उसे कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया था। ये वो बाइक थी जिसे शहर और गांव दोनों ही जगह के लोग पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये हर जगह चलने में सक्षम थी और तेज होने के साथ साथ माइलेज भी बुलेट से ज्यादा देती थी। हालांकि आज के समय में आपको बुलेट देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस दमदार बाइक का नामो निशान भी बाजार से गायब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम राजदूत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसको बनाया किसने था और कैसे राजदूत भारत में इतनी लोकप्रिय हो गई थी। दोस्तों, राजदूत की शुरुआत 1962 में जब एस्कॉर्ट्स ग्रुप नाम की एक कंपनी ने एक पोलिश बाइक को भारत में राजदूत के नाम से बनाना शुरू किया। ये एक 175 सीसी की बाइक थी। शुरुआत में जब ये आई तो इसे मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि भारत में पहले से ही बुलेट ने अपना कब्जा किया हुआ था। हालांकि बाइक बाकी बाइक से बहुत ज्यादा एडवांस थी, मगर शुरुआत में इसे ज्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे थे। कई सालों तक राजदूत मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए तरसती रही। इसे अपनी असली पहचान मिली तब जब 1973 में आई फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने इसे चलाया था। फिल्म तो हिट हुई और साथ में उसके साथ राजदूत भी बड़ी हिट बाइक बन गई। बॉबी के आने के बाद तो राजदूत ने मानो दिन ही बदल लिए। लोग भी ऋषि कपूर की तरह ऐसी बाइक चाहने लगे थे। देखते देखते राजदूत की डिमांड बढ़ने लगी। राजदूत का मार्केट बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, मगर इसे काफी उछाल जरूर मिला। अच्छी लोकप्रियता के बाद भी राजदूत 175 बहुत बड़ी हिट नहीं बन पाई। आखिर 1983 आते आते ये ओल्ड फैशन बन गई थी, इसीलिए उसी साल इसे बंद कर दिया गया। कंपनी समझ गई थी कि ग्राहक कुछ और चाहते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि अपने ग्राहकों को इससे भी अच्छी बाइक लाकर देनी होगी। फिर 1989 में एस्कॉर्ट्स ग्रुप ने यामाहा के साथ गठबंधन किया। उन्होंने मिलकर राजदूत की नई बाइक निकाली, जिसे अब 350 सीसी इंजन के साथ बनाया गया था। यही वक्त था जब ये बाइक हर किसी के दिल को भाने लगी थी। ये तेज भी थी और हल्के होने के साथ साथ मजबूत भी थी और बुलेट के मुकाबले काफी कम पेट्रोल कंज्यूम करती थी। यही कारण थे कि ना सिर्फ शहर बल्कि गांवों के इलाकों में भी राजदूत को पसंद किया जाने लगा। आपको बता दें कि राजदूत 350 के फीचर्स बहुत ही शानदार थे। इसमें 6 गियर थे। इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती थी। इसी तेज रफ्तार के साथ ही जिसके कारण ये युवा दिलों की धड़कन तो बन गई। यूं तो ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी, मगर उस समय भारत में इसकी जैसी कोई तेज रफ्तार बाइक नहीं थी। माना जाता है कि एक समय में राजदूत इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि कोई और बाइक इसके मुकाबले कुछ थी नहीं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा आ गया जब राजदूत ने बुलेट को भी पीछे छोड़ दिया। वो समय राजदूत का सुनहरा समय था, कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। राजदूत की खासियत ये थी कि ये बाइक गांव के कच्चे रास्तों पर भी बहुत अच्छे से चला करती थी और इन उबड़ खाबड़ रास्तों के चलते हुए भी इसमें पेट्रोल कम लगता था, इसलिए ये किफायती भी थी। यही कारण बना कि भारत सरकार ने अपने कई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों को ये बाइक दी। इस बाइक से वो आराम से दूर दूर के गाँव में जा सकते थे। सिर्फ अफसरों की नहीं, गांव के सामान्य लोगों को भी राजदूत खूब भाने लगी। कई दूध वाले इस बाइक का इस्तेमाल किया करते। इसमें दूध के डब्बे लगाकर सुबह सुबह कच्चे रास्तों पर बड़े आराम से जाया जा सकता था। जिन रास्तों पर कोई आम बाइक दम तोड़ देती थी, उन पर भी भारी वजन के साथ राजदूत मस्त मस्त होकर चलती थी। 1980 से 1990 तक के समय में राजदूत ने भारत के मार्केट में खूब नाम कमाया। हजारों राजदूत बाइक पूरे भारत में बेची गई। सब ठीक चल रहा था कि तभी जमाने में नई तकनीक की बाइक आने लगी। ये नई बाइक ज्यादा सस्ती और किफायती मिलने लगी। राजदूत बहुत समय से अपनी बाइक्स में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई थी और यही इसके पतन की असली वजह बनी। और दूसरी वजह ये भी थी कि हमारे समाज को समय समय पर बदलाव चाहिए। उन्हें अक्सर नई और लुभावनी चीजें ज्यादा भाती हैं। राजदूत वक्त के साथ ओल्ड फैशन होती जा रही थी। नई बाइक्स ने राजदूत के मार्केट को मार लिया था। इसकी वजह ये थी कि राजदूत के स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे थे। आम लोगों के लिए बनी बाइक धीरे धीरे उनके बजट से बाहर जाने लगी। वक्त के साथ राजदूत की लोकप्रियता खत्म होने लगी, लोग इसे नकारने लगे। यही कारण है कि 1990 के अंत तक इस बाइक का पतन शुरू हो गया। इसकी प्रोडक्शन काफी कम हो गई थी क्योंकि कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। आखिर में 1991 आने तक कंपनी ने राजदूत बनाने से मना कर दिया और 1991 में आखिरी राजदूत बाइक बेची गई। आज राजदूत भले ही कबाड़ में पड़ी दिखाई देती है, मगर बहुत से लोगों ने इसके जरिए अपनी बाइक चलाने की जर्नी की शुरुआत की थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने भी अपनी पहली बाइक के तौर पर राजदूत ही खरीदी थी। यहीं से उन्हें बाइक्स का शौक लगा। जब उन्होंने राजदूत खरीदी थी तब इसका जमाना चला गया था, मगर ये बाइक हमेशा से उनके दिल के पास थी, इसीलिए उन्होंने इसको खरीदा। राजदूत आज एक इतिहास बन चुके हैं, मगर कुछ बाइक कलेक्टर ही होंगे जिनके पास ये बाइक मौजूद होगी। भले ही ये बाइक आज कहीं भी नहीं दिखाई देती, मगर जो लोग इस बाइक को चलाते थे उनके दिलों में ये हमेशा बनी रहेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।